सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। तो कैसे हो आप सभी लोग। सो गाइस, आज हम लोग दोबारा से अपने मोबाइल फोन में एक और न्यू गेम प्ले करने जा रहे हैं। हाँ गाइस, बिल्कुल सही सुना। तो फाइनली गाइस, आज हम लोग प्ले करने वाले हैं कार फॉर सेलर सिमुलेटर 3D। तो चलो गाइस, ट्राई करते हैं इस गेम को एंड देखते हैं कि भाई आज हम लोगों का फर्स्ट डे कैसा जाने वाला है, कितनी कार्स को हम लोग बाय करेंगे एंड कितनी को सेल। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को फुल वॉच कर लेना। बट अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो टाइम न वेस्ट करते हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइस, वेलकम टू कार फॉर सेलर सिमुलेटर 3D। तो अभी गाइस फाइनली हम लोगों के गेम की स्टार्टिंग हो चुकी है। और लिटरली गाइस, आप सबसे पहले गेम की ग्राफिक्स देखो भाई, कितनी ज्यादा तगड़ी ग्राफिक्स हम लोगों को मिल रही है यहाँ पर। और भाई ये है हम लोगों का मेन कार फॉर सेल का शोरूम, आई मीन ऑफिस, जहाँ पर हम लोग गाइस कार्स वगैरह लाकर सेल करेंगे। तो चलो गाइस, सबसे पहले अपना फर्स्ट टास्क कंप्लीट करते हैं, जो कि भाई बोल रहा है कि कलेक्ट थर्स टू अनलॉक ऑफिस थर्स कलेक्टेड। ओके, तो यहाँ पर गाइस टोटली भाई 14 थर्स पड़ा हुआ है, जैसे कि भाई यहाँ पर देख सकते हो। पहले तो यही गाइस मुझे मिल चुका है एंड यहाँ पर भी है। तो ऐसे कर करके गाइस यहाँ पर जितने भी सारे थर्स हैं, तो सबसे पहले गाइस मुझे इन सभी को क्लीन करना होगा, जिससे कि गाइस हम लोग अपना ऑफिस ओपन कर सके। तो चलो गाइस फटाफट से कर देते हैं। और फिर भाई अभी मैंने 5 कलेक्ट कर लिया है एंड ये 6 हो गया। और भाई यहाँ पर आप देख सकते हो एक भाई टूटी फूटी भाई कार भी पड़ी हुई है, इसको भी उठाते हैं फटाफट से। तो अभी गाइस मैंने कार को भी पिक कर लिया है। और फिर यहाँ पर न्यूज़पेपर भाई कुछ ज्यादा ही यहाँ पर है, और ये भी हो गया एंड एक कैन बचा हुआ है। तो अभी गाइस मैंने अपने ऑफिस के आगे का पूरा एरिया क्लीन कर दिया है, बट अभी गाइस बचे हुए हैं टोटली ये 4 वुडन प्लैंक, तो इनको भी फटाफट से भाई क्लीन कर देते हैं। एक ये हो गया, ये भी हो गया। और गाइस मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं ना, प्ले करने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है। तो अभी गाइस हम लोगों का फर्स्ट टास्क कंप्लीट हो चुका है, और सेकंड टास्क में बोल रहा है यूज ऑफिस कंप्यूटर एंड गो टू अपग्रेड एंड डेकोरेशन टू कस्टमाइज ऑफिस। तो अभी गाइस हम लोगों को अपना ऑफिस ओपन कर देना है। और यहाँ पर भाई हम लोगों को देख सकते हो एक कंप्यूटर मिल चुका है, और फिर इधर साइड में सोफा वगैरह लगा हुआ है। तो इसी कंप्यूटर से गाइस मुझे अपना शोरूम अपग्रेड करना है। तो चलो भाई देखते हैं क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर गाइस हम लोगों को 4 चीजें मिल रही हैं। पहला तो वेब पेज, जहां से हम लोग कार्स को सेल करेंगे, एंड सेकंड में अपग्रेड। ओ वेट भाई, यहाँ पर हम लोग मस्त अपने शोरूम को कस्टमाइज भी कर पाएंगे भाई, देख सकते हो, मतलब की 4-4। और भाई ये सबसे बड़ा शोरूम है गाइस इस गेम का। और वैसे तो गाइस अभी मेरे पास फिलहाल के लिए इतने डॉलर नहीं है कि मैं इनको बाय कर सकूं, बट भाई देख के लग क्या रहा है भाई, एक नंबर का शोरूम लग रहा है। तो अभी तो गाइस मैं इसको फिलहाल बाय नहीं कर सकता हूं, बट यहां पर स्किन वगैरह देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर हम लोगों को स्किन वगैरह भी मिल रही है, जिसको भी हम लोगों को बाय करना होगा। तो अभी भाई फिलहाल ये सब छोड़ते हैं और डेकोरेशन में देखते हैं। तो सबसे पहले गाइस हम लोग अपने कार शोरूम का नेम चेंज करेंगे। तो अभी गाइस मैंने अपने शोरूम का नेम कार शोरूम रख दिया है, और यहाँ पर हम लोग इसको मस्त अपने हिसाब से सेट भी कर सकते हैं कि भाई बड़ा रखना है, वर्ल्ड बड़ा करना है, छोटा करना है। तो मतलब कि भाई जैसे पीसी में होता है ना, हम लोग अपना नेम फुल्ली कस्टमाइज कर सकते हैं, तो वैसा ही दे रखा है। एंड यहाँ पर हम लोग कलर भी चेंज कर पाएंगे, येलो कलर गाइस काफी बेस्ट लग रहा है, तो मैं यही रखने वाला हूं। तो अभी गाइस मैंने अपने शोरूम का नेम भी चेंज कर दिया है, और अभी यहां पर दिखा रहा है भाई कितनी कार हम लोग बाय करेंगे एंड सेल करेंगे। तो चलो गाइस अभी चलते हैं फटाफट से, हम लोगों का कार मार्केट भी ओपन हो रखा है एंड नेवरहुड भी ओपन हो रखा है। तो सबसे पहले भाई हम लोगों का शोरूम देखो क्या तगड़ा लग रहा है। तो चलो गाइस फटाफट से चलते हैं। एंड यहां पर हम लोगों का थर्ड टास्क बोल रहा है बाय अ कार गो टू नेवरहुड ऑटो मार्केट टू बाय अ कार यूज बस स्टॉप टू ट्रैवल। तो अभी गाइस यहां पर हम लोगों को मिल का है बस स्टॉप, जिससे कि गाइस हम लोग नेवरहुड में जा पाएंगे, ऑटो मार्केट में जा पाएंगे, एंड भाई यहां पर हम लोगों को कंटेनर वाला होम भी मिल रहा है। तो सबसे पहले गाइस मैं जाऊंगा नेवरहुड में। तो अभी गाइस मैं आ चुका हूं नेवरहुड में, और भाई यहां भी काफी तगड़ा बना रखा है, मतलब कि भाई एक नंबर का पूरा होम वगैरह दे रखा है। तो चलो गाइस फटाफट से अपनी फर्स्ट कार को बाय करते हैं। तो यहां पर एक लैम्बोर्गिनी मिल चुकी है, तो चलो भाई देखते हैं क्या प्राइस लगने वाला है। तो अभी के लिए गाइस तो फिलहाल हम लोग इस कार को नहीं बाय कर सकते हैं, क्योंकि भाई $80,000 की है, और अभी मेरे पास टोटली $16,000 ही पड़े हुए हैं। तो यहां पर एक बी
BMW मिल चुकी है, ये तो और भी ज्यादा महंगी है, इसको भी नहीं बाय कर सकते हैं। और है गाइस, इसको भी चलते हैं फटाफट से देखते हैं भाई, क्या पता यही हम लोगों को मिल जाए। आई थिंक ये मर्सिडीज की कार है। तो अभी गाइस मुझे क्या लग रहा है ना कि यहाँ पर तो मुझे एक नहीं मिलने वाली है कार। तो चलो गाइस अभी यहाँ से सीधा चलते हैं ऑटो मार्केट में एंड देखते हैं कि भाई वहां पर हम लोगों के प्राइस रेंज में कोई कार मिलती है या फिर नहीं। आई थिंक वहां पर हम लोगों को मिल जानी चाहिए। तो अभी गाइस मैं आ चुका हूँ कार मार्केट पे, मतलब कि ऑटो मार्केट पे। और यहाँ पर आप देख सकते हो भाई थोड़े बहुत कस्टमर है और भाई यहाँ पर काफी ढेर सारी कार है। एक लैम्बोर्गिनी है एंड यहाँ पर पोर्श भी है। तो अभी गाइस काफी ज्यादा ढूंढने के बाद फाइनली हम लोगों के प्राइस रेंज में एक कार मिल चुकी है जो कि है होंडा सिविक्स। तो चलो गाइस इसी को बाय करते हैं एंड इसको मैंने बाय किया है $13,000 में। तो लेके चलते हैं भाई अपनी फर्स्ट कार को अपने कार शोरूम पे एंड अभी देखते हैं गाइस अभी मुझे इसमें क्या क्या करवाना है, क्योंकि भाई अभी देख सकते हो कार भी काफी ज्यादा गंदी हो रखी है। इसको हम लोगों को रिपेयर भी करवाना है एंड फिर वॉश भी करवाना है। तो सबसे पहले गाइस मैं सोच रहा हूँ ना कि अपनी कार को मैं लेकर चलूँ सीधा गैराज पे। ओ वेट वेट भाई, गैराज पे ले जाने से पहले इसको वॉश करवा लेते हैं जो कि भाई यहाँ पर आई थिंक हो जाएगा। ओके लेके चलते हैं वेट। तो अभी गाइस मैंने अपनी कार को तो पार्क कर दिया है, इस बंदे से बात करके देखते हैं कितने डॉलर लेगा वॉश का। भाई $100 ले रहा है। तो अभी गाइस मैंने कार वॉश करवा ली है और भाई अभी देखो क्या तगड़ी चमकने लगी हम लोगों की कार। तो चलो गाइस अभी मुझे लग रहा है कि अभी हम लोग इस कार को सेल पर लगा सकते हैं और भाई सच में ना काफी ज्यादा तगड़ी चमकने लगी है वॉश होने के बाद। तो चलो गाइस अभी लेके चलते हैं अपनी कार को सीधा कार शोरूम पे। तो अभी गाइस मैं अपनी कार को लेकर आ चुका हूँ कार शोरूम पे और भाई यहीं पे पार्क करते हैं फटाफट से और चलते हैं गाइस फटाफट से अपनी फर्स्ट कार को सेल पर लगाते हैं और देखते हैं भाई इस वाली कार से हम लोगों को कितने का प्रॉफिट होगा। तो ये है हम लोगों की गाइस ब्लैक कलर की कार। तो चलो गाइस फटाफट से इसकी एंटर प्राइस डाल देते हैं। तो अभी गाइस मैंने अपनी कार की प्राइस लगा दी है और देखते हैं भाई कि हम लोगों की कार कितने में सेल होती है। और वेट भाई, मैंने जैसे ही अपनी कार की प्राइस लगाया और यहाँ पर एक कस्टमर भी आ चुका है। तो चलो गाइस इससे बात करके देखते हैं कितने डॉलर देने को रेडी हो रखा है। तो वैसे तो गाइस मैंने इस कार की प्राइस $20,000 लगाया था बट ये बंदा भाई $15,000 देने को रेडी हो रखा है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ भाई फर्स्ट कार है सेल कर देते हैं। तो अभी गाइस फाइनली हम लोगों के कार शोरूम पर अपनी फर्स्ट कार सेल हो चुकी है और भाई अभी नाइट भी हो चुकी है। तो चलो गाइस आज का टास्क हम लोगों का यहीं से कंप्लीट होता है। बट उससे पहले भाई अभी चलते हैं अपने कंटेनर वाले होम पे और यहाँ पर गाइस हम लोग आ चुके हैं। तो चलो भाई फटाफट से सो जाते हैं एंड दोबारा से मॉर्निंग करते हैं और देख लेते हैं भाई कंटेनर वाला होम भी हम लोगों का कैसा है। ये भी इसके अंदर भी देख सकते हो एक बेड दे रखा है। The next day. तो अभी गाइस हम लोगों की दोबारा से मॉर्निंग हो चुकी है। तो ऑल राइट गाइस आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिससे कि आप इसकी आने वाली गेम प्ले को जल्द से जल्द देख सको। तो जल्दी मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।